चलिए आज बनाते हैं आलू और सोयाबीन की कम तेल में बनने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी। आप एक बार इस तरीके से सोयाबीन और आलू की सब्जी जरूर बनाएं, सभी को काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें कढ़ाई में डाल देना है 1.5 गिलास पानी। पानी गर्म हो चुका है, अभी हमें इसमें डाल देना है 1 कटोरी सोयाबीन को। इसे हमें उबाल आने तक पकाना है। इसमें अच्छा उबाल आ चुका है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। ठंडा होने के बाद इसे पानी को निचोड़ लेना है। अभी वापस हमें कढ़ाई में डाल देना है 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है, अभी हमें इसमें डाल देना है सोयाबीन को। इसे हमें चला लेना है, गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है। सोयाबीन हल्का भून चुका है, अभी हमें इसमें डाल देना है 1 बड़ा साइज़ का आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डालना है। आप चाहे तो आलू और सोयाबीन को अलग अलग भी भून सकते हैं। हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चलाना है। हमें आलू और सोयाबीन को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, आलू में बहुत ही अच्छा कलर ना आ जाए। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चलाते रहना है। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं आलू का कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है और सोयाबीन में भी बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, इसे निकाल लेना है और वापस हमें कढ़ाई में डाल देना है तेल। आप जो भी तेल खाते हैं उस तेल में सब्जी को बना सकते हैं। हमें इसमें 1 चम्मच तेल डालना है। तेल गर्म हो चुका है, 1/2 चम्मच जीरा डालना है। जीरा ब्राउन हो चुका है, कुछ खड़े गरम मसाले डालना है जैसे तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग। अभी हमें इसमें डाल देना है थोड़ा सा हींग। अगर आप हींग पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अभी हमें इसमें डाल देना है 2 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। थोड़े थोड़े देर में हमें प्याज को चलाना है। हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। इसमें डाल देना है 1 कटा हुआ हरा मिर्च। आप चाहें तो हरा मिर्च का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। इसे वापस हमें चला लेना है। इसी तरीके से हमें थोड़े थोड़े देर में प्याज को चलाते हुए भूनना है। अभी आप देख सकते हैं प्याज में बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आ चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच कूटी हुई लहसुन अदरक। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल सकते हैं। इसे चलाते हुए हमें 1/2 मिनट के लिए भून लेना है। इन सबको भूनते हुए 1/2 मिनट हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे हमें चला लेना है, गैस का फ्लेम हमें लो कर लेना है क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले डालना है। सारे मसाले छोटे वाले चम्मच से हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हमें इसमें डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर बहुत ही बढ़िया होता है, तीखा नहीं होता है। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और अभी हमें इसमें डाल देना है नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 चम्मच नमक डाली हूँ। अभी हमें इसे चला लेना है। मसाले को हमें धीमे धीमे हीट पर ही भूनना है जिससे टमाटर भी काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और मसाले भी अच्छे से भून जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। हमें हल्का इसे मैश कर लेना है और मसाले से तेल सेपरेट हो चुका है। अभी हमें इसमें भुने हुए आलू और सोयाबीन को डाल देना है। इसे हमें मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। अभी हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और इसे हमें 1.5 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ भूनना है जिससे सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। जितने अच्छे से आप सब्जी और मसाले को भूनिएगा उतना ही टेस्टी सब्जी बनता है, इसीलिए सब्जी और मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है।
हमें इसे थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना है। अभी आप देख सकते हैं सोयाबीन और आलू अच्छे से भुन चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। हमें इसमें लगभग 300 ml पानी डालना है, क्योंकि सोयाबीन भी पानी को सोखता है, तो थोड़ा पानी हमें ज़्यादा ही डालना है। और अभी हमें इसे चला लेना है और ढककर 4 से 5 मिनट के लिए हमें इसे पकने देना है। सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। अभी हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है। इसमें हमें डाल देना है गरम मसाला पाउडर। लास्ट में गरम मसाला पाउडर डालने से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आता है सब्जी में। हमें इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। सब्जी को चला लेना है और वापस हमें कढ़ाई का ढक्कन लगा देना है। थोड़ी देर बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है। इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी आलू और सोयाबीन की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसा लगा, आपके फैमिली वालों को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।